HBN न्यूज, जो सच वही खबर। गाजे बाजे के साथ हुआ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। बांदा शहर में लगभग एक सैकड़ा गणेश प्रतिमाओं को गाजे बाजे के साथ गुरुवार को केन नदी में विसर्जित किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आना का उद्घोष करते हुए थिरक रहे थे। प्रतिमाओं को नम आंखों से विसर्जन किया गया। शहर के विभिन्न मोहल्लों में अलग अलग स्थानों में गणेश चतुर्थी को गणेश प्रतिमाएं रखी जाती हैं और 10 दिन तक लगातार पूजा अर्चना का सिलसिला चलता रहता है। इस बार भी नूतन बाल समाज में रखी गई गणेश प्रतिमा का 7वें दिन विसर्जन नवाब टैंक में किया गया था। इसके अलावा 5वें, 7वें, 3रे और 10वें दिन आधा सैकड़ा गणेश प्रतिमाएं विसर्जित की गई, लेकिन मुख्य आकर्षण गुरुवार को देखने को मिला। इन प्रतिमाओं को शहर में रामलीला मैदान से होते हुए बाकरगंज से निकाला गया, जहां से टोकन लेकर कार्यकर्ता नाचते हुए आगे केन नदी की ओर बढ़ रहे। जुलूस पुलिस लाइन क्योत्रा चौराहा से होता हुआ नाव घाट पहुंचा, जहां प्रतिमाओं को बारी बारी से विसर्जन किया गया। इस दौरान कई संगठनों ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। कई स्वयंसेवी संगठनों ने जलपान की स्टॉल भी लगाई। इस बार भी जुलूस में महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नृत्य के दौरान अबीर गुलाल उड़ाया गया, वहीं तलवारबाजी इंडिया आकर्षण का केंद्र बने रहे। इस दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे में पुलिस बल को तैनात किया गया था। विसर्जन देर शाम तक होने की संभावना है। बांदा से हमारे संवाददाता राजेश गुप्ता की रिपोर्ट।